हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश 2M में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले नेशनल स्कॉलरशिप 2021-22 के पेमेंट्स रिलेटेड बात करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, कई बंदों का धीरे धीरे पैसा आना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ स्टेटस सामने आए हैं जिसमें बच्चे पूछ रहे हैं, सर मैं इन स्टेटस के साथ मैं रिन्यूअल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वो बताऊंगा। और इनका पेमेंट कब तक आ जाएगा जिन बच्चों का ऐसा कुछ शो कर रहा है, इनका इस प्रकार शो कर रहा है और इस प्रकार से उनका दिखा रहा है, ठीक है, तो उनके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड को शेयर करना, और कॉपीराइट का क्या मतलब है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ यहाँ पे इन बंदों का। यहाँ पे एक बंदे हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में डीएम किया था। इनका स्टेटस हाल ही में एप्लीकेशन सेंड फॉर पीएफएमएस फॉर पेमेंट के लिए गया था और इनका जो टोकन नंबर है वो जनरेट हो चुका है यहाँ पे फाइनली सक्सेसफुली। और कुछ दिन बाद ये चेक करते हैं अपना स्टेटस को पीएफएमएस पे, तो पीएफएमएस वाले इनको स्टेटस दिखाते हैं पेंडिंग फॉर सेक्शन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री, ठीक है। अब इनको पैसा कब तक मिल जाएगा मैं बता देता हूँ आपको। जिन भाइयों का ऐसा पेमेंट शो कर रहा है वहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 10 से 15 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेंडिंग फॉर सेक्शन मिनिस्ट्री के बाद आपका अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री शो होगा। अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री शो होने के बाद आपका आ जाएगा फिर अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक CBS, ठीक है। मतलब आपका प्रोसेस जो पैसा जो होगा बैंक में आने को आ चुका है, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको पेमेंट मिलेगा। तो आपको 10 से 15 दिन आपको सिंपली वेट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, अगर आपका कुछ ऐसा शो कर रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं पेमेंट किन किन बंदों का अब आने लग गया। पेमेंट जो थे जिन बच्चों का पैसे अटके हुए थे, काफी दिनों से पैसा अटका हुआ था, मैं सिलेक्शन हो गया था, सेंटिफिकेट हो गया, उनका पेमेंट धीरे धीरे कर रिलीज कर रही है एनएसपी की टीम, ठीक है। अब इन बच्चों का जिन बच्चों का पैसा नहीं आ पाया, किस प्रकार से स्टेटस शो कर रहा है, ऐसे टोकन जनरेट हो चुका है या उनको पैसा नहीं मिल पा रहा कुल मिला के, ठीक है, तो बच्चे रिन्यूअल कर सकते हैं। वो एनएसपी स्कॉलरशिप की साइट में जाएंगे, ठीक है, रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। रिन्यूअल एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर वो जनरल ओबीसी डब्ल्यू से बिलोंग करता है तो यहाँ पे क्लिक करके और फॉर्म को आप रिन्यूअल कर लेंगे। इसका मैंने पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। कई बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट ब्लैंक वगैरह शो कर रहा है, मेरिट लिस्ट नो शो कर रहा है, ठीक है, यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर मेरिट लिस्ट शो कर रहा है, ऐसे करके उनके कुछ शो कर रहा है वहाँ पे, तो फिलहाल उनके लिए कोई भी नहीं हो सकता, रिन्यूअल नहीं कर सकते वो बच्चे, ठीक है। वो बच्चे क्या करेंगे, दोबारा फ्रेश स्कॉलरशिप भरेंगे, दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन कीजिए। पहले अगर आधार कार्ड दिया था, अब आधार कार्ड ना दीजिए। पहले अगर आपने अलग बैंक अकाउंट दिया था, तो अब नया बैंक अकाउंट देंगे। जैसे आपने पहले SBI का बैंक अकाउंट दिया था, अब किसी और नए बैंक का अकाउंट खाता खुलवा के नए बैंक अकाउंट देंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे उसी स्कीम में, जिससे आपके अगर परसेंट अच्छी रही तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर पुराने आधार कार्ड पुराने उससे करेंगे तो आपका लिखा जाएगा कि मतलब आपका एरर शो करेगा या आपको मतलब जो डाटा है वो फाउंड नहीं दिखाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आपका शो होने वाला है, ठीक है। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, अगर आपको पैसा मिल गया है तो आप रिन्यूअल कर लीजिए, रिन्यूअल के एलिजिबल है। अगर आपको पैसा नहीं मिला है, पैसा मिलने की तैयारी में है, आपके अच्छा अच्छे मतलब सिचुएशन में शो कर रहा है स्टेटस, तो आप रिन्यूअल कर सकते हैं, कोई दौरे की बात नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आप स्कीम चेंज करते हैं तो आपको फ्रेश स्कॉलरशिप भरना पड़ेगा, आप उसी स्कीम में करते हैं तो आपको रिन्यूअल ही करना पड़ेगा, ठीक है। पैसा आने को आ गया है, बस कुछ दिन बाद कुछ दिन में वेट कीजिए। अगर आपके स्टेटस शो कर रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम में मुझे DM कीजिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।